हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रकृति ने हमको बहुत सारी औषधियाँ प्रदान की हैं और जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उन जड़ी बूटियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है जिसको गोखरू कहते हैं। उस गोखरू की महानता और उसकी क्या फायदे हमको मिल सकते हैं शरीर की बीमारियों से बचाव करने के लिए, वो हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों का रक्षक है और ये बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है जड़ी बूटी, इसको गोखरू कहते हैं। गोखरू एक बहुत ही उम्दा जड़ी बूटी है। ये अक्सर जंगलों में अपने आप से उग जाती है और वो बहुत झाड़ के झाड़ फैलने लग जाते हैं। एक छह कोने का एक दाना होता है, ये हरा होता है, जब इसको सुखा लिया जाए तो इसको गोखरू कहते हैं। ये गोखरू बहुत सस्ता है, महंगा भी नहीं आता। किसी भी पंसारी की दुकान से, आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां बेचते हैं उनकी दुकानों से प्राय मिल जाता है। ये जितनी भी हमारी यूरिनरी सेक्शन की तकलीफें हैं, जेंट्स की या लेडीज की महामारी की, उन सब की बीमारियों का ये इलाज है। ये घरेलू इलाज है, सस्ता इलाज है और इस इलाज का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सुबह दो चम्मच, मतलब यानी कि 20-25 दाने गोखरू के सूखे हुए के, एक गिलास पानी में धीमी आंच में पकने के लिए रख दो। जब एक चौथाई पानी रह जाए उसको छान कर ठंडा करके एक एक घूंट पीते रहो। किसी प्रकार की पथरी, यूरिन सेक्शन के अंदर किसी प्रकार की ब्लीडिंग, कोई पीला पन होना, लाल रंग की पथरी निकलनी या सूजन होनी, या लेडीज की महावारी में जो प्रॉब्लम आती हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं। तो एक प्राकृतिक कुदरत ने हमको बहुत कुछ दिया, वेद हकीमों ने हमको बहुत कुछ समझाया, हमारे आयुर्वेद ने शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा, मगर उसको आगे चलाने वाले, समझाने वाले नहीं मिले। हमारी एलोपैथिक मेडिसिन्स ने अपना प्रबल इफेक्ट रखा और हमारी अपनी जड़ी बूटियों का प्रभाव हम नहीं ले पाए। गोखरू हमारी बॉडी की जितनी टॉक्सिन्स होती हैं उन सब को बाहर कर देता है। जब शरीर से टॉक्सिन्स बाहर चली जाएंगी तो बीमारी अपने आप से कम होती चली जाएगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। गोखरू को प्रयोग करके देखो, आपको फायदा अवश्य 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 मिलेगा।